अगर शहादत और बगावत दो ही विकल्प हो तो शहादत को तो चुना नहीं जा सकता। तो शहादत को नहीं चुनेंगे तो बगावत करेंगे। तो बगावत करने का मतलब ये नहीं है किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बगावत कर दिया। बगावत का मतलब ये हुआ कि उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी होता है। और जो जिंदा हो अगर, तो जिंदा दिखना भी जरूरी होता है। कुछ भी संभव है। वीक इज अ लाइफ टाइम इन पॉलिटिक्स। एक सप्ताह में दुनिया बदल जाती है। तो राजनीति में तो कोई किसी संभावना से इनकार नहीं किया। बीजेपी से टिकट कटने के बाद निर्दलीय सच्चिदानंद राय मैदान में उतरे और जीत गए। इस वक्त मेरे साथ है। पहले तो जीते, टिकट भी कटा, क्या कहेंगे? जीते, यही कहेंगे कि जीते, बहुत पराक्रम दिखाकर जीते। टिकट कटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एक बात समझ चलिए, जो लोग पराक्रम विश्वास करते हैं परिक्रमा नहीं करते। अब मैं उनमें से एक हूँ। मैं गणेश परिक्रमा जनता नेताओं की नहीं करता, ये मेरे फितरत में ही नहीं है। मैं राजनीति में समाज सेवा और समाज सुधार के नियत से आया हूँ, किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं आया। और जो व्यक्तिगत लाभ के लिए होते हैं वो काम न करके परिक्रमा करते हैं। मैं काम करता हूं और मेरे सारण की जनता ने मेरे काम को देखा है, सराहा है और उसी का ये नतीजा है कि आज इतनी बड़ी जीत हुई है। आपको पता होगा कि मेरा टिकट काटकर जिस महानुभाव को दिया गया वो 254 वोट लाए। हम लोग तो सोचे थे 200 में नहीं ला पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टिकट में इतना दम है कि 254 तक पहुँच गया। तो ये तो खैर पार्टी के नाम पर उनको जरूर वोट मिल गया 254, लेकिन मैंने काम किया धरातल पर। धरातल पर जो काम करता है ना उसको सम्मान मिलता है। आगे की रणनीति क्या है सचिन राय? आगे की रणनीति भी वही है जैसे पहले। मैं संकल्प कर देता था, संकल्प को सिद्ध करने का काम करता था। अब इस बार मैंने संकल्प लिया है कि मैं पंचायतों में धरातल पर उतारने की कोशिश करूँगा पंचायती राज व्यवस्था को। पंचायती राज व्यवस्था में जितनी कमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। निहोरा से हो, दबाव से हो, आंदोलन से हो, सरकार से मिलजुल कर धरातल पर आने का काम करूँगा। और जो छोटे मोटे काम जो बाकी रह गए हैं उस सारे कामों को मैं कंप्लीट करूँगा। अब तक जो देखा गया है सचिन राय बीजेपी का खिलाफ नहीं किए हैं, पार्टी के नेताओं के खिलाफ आप रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या पार्टी के नेताओं के खिलाफ मैं नहीं रहता। मैं कभी भी खिलाफत का नेतृत्व नहीं करता। नेतृत्व पर भी कई बार एक बात समझिएगा, अगर शहादत और बगावत दो ही विकल्प हो तो शहादत को तो चुना नहीं जा सकता। तो शहादत को नहीं चुनेंगे तो बगावत करेंगे। तो बगावत करने का मतलब ये नहीं है किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बगावत कर दिया। बगावत का मतलब ये हुआ कि उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी होता है। और जो जिंदा हो अगर, तो जिंदा दिखना भी जरूरी होता है। वापसी हो सकती है, कुछ भी संभव है। वीक इज अ लाइफ टाइम इन पॉलिटिक्स। एक सप्ताह में दुनिया बदल जाती है। तो राजनीति में तो कोई किसी संभावना से इनकार नहीं किया। संभावनाएं हैं, हर चीज़ की संभावना है। हर वापसी की संभावना है, किसी दूसरे घर जाने की संभावना है, किसी नए घर को बनाने की संभावना है, स्वतंत्र रहने की संभावना है। विकल्पों की कमी थोड़ी ही है। जीत के बाद लगातार कई नेताओं से मुलाकात भी आपकी, कोई इस विषय में बातचीत हुई कि? देखिए, एक चीज़ मान के चलिए, मैं चरित्र से और संकल्प से सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति में विश्वास करता हूँ। मेरा चरित्र वही है, मैं वैसे ही जीता हूँ और उसी तरह से मैं संकल्प भी लेता हूँ। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी वही संकल्प है, वही चरित्र है, उसको करने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहूँगा गंगोत्री में गंगा तो बड़ी पवित्र है, लेकिन गंगा जब पटना छपरा तक आते आते इतनी मैली हो गई है और ये संकल्प इतना यहाँ पर आके ख़राब हो जाता है कि यहाँ जो नेतृत्व जो है उन लोगों से अपने स्वार्थ से मतलब है, उनको पार्टी के संकल्पों से पार्टी के चरित्र से दूर दूर का नाता भी दिखता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा। एक अंतिम सवाल है, टिकट कटा बावजूद आप निर्दलीय जीते और अच्छी खासी जो जिनको टिकट दिया गया काफ़ी नीचे रहे। सवाल है कि मंत्री बनने की भी कोई मन में ललसा वगैरह? जीवन में मंत्री बनना का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। देखिए, हमेशा संकल्प लेना चाहिए किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए। मैं व्यक्तिगत ये हो जाऊँ, मैं व्यक्तिगत वो हो जाऊँ, ये संकल्प मैंने जीवन में कभी भी नहीं लिया है। मैंने अगर व्यवसाय भी किया है तो हमेशा ये देखा है कितना रोजगार की सृष्टि कर सकता हूँ और ईमानदारी से कितना। निश्चित रूप से धन अर्जित करेंगे तो शक्ति बढ़ेगी, तो काम भी बढ़ेगा, तो काम बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेंगे। और हमेशा हमने उन्हीं संकल्पों के साथ ही काम किया है। कभी भी उसको मैं किसी भी कारण से विरल नहीं होने देता हूँ। मैं हमेशा संकल्प को पकड़ के रखता हूँ। जब कोई भटकने के समय आता है मैं संकल्प को याद कर लेता हूँ तो फिर भटकाव दूर हो जाता है। राजनीति में मेरे संकल्प बड़े साफ हैं।
पहले अपने गांव के लिए, फिर अपने ब्लॉक के लिए, फिर अपने ज़िले के लिए, फिर अपने बिहार के लिए और देश के लिए, जहां मेरी जितनी क्षमता हुई उसके लिए मैं कार्य करूंगा। और निश्चित रूप से उसके लिए राजनीति में जो भी कहीं टकराव करना होगा तो टकराव भी करेंगे, कहीं बदलाव करने की जरूरत बदलाव भी करेंगे, कहीं जरूरत पड़ेगी शहादत देने की तो शहादत भी देंगे। लेकिन शहादत देने लायक कोई विषय तो आए, शहादत देने लायक कोई संकल्प तो आए, स्वार्थ की बात नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम हम बिना कारण के तो शहीद नहीं हो सकते ना।